उपदेश्य उपदिष्टित्वा तत्सिद्धि। ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला और ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने वाला, जब ये दोनों होते हैं तब ब्रह्म विद्या की परंपरा सुरक्षित रहती है। दो में से यदि एक का अभाव हो जाए तो ये विद्या भी विलुप्त हो जाती है। आज दुर्भाग्य से दोनों का ही अभाव हो रहा है, ना तो ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला कोई है ना उसको ग्रहण करने वाले, दोनों ही आधे अधूरे या कितने कहेंगे, दो प्रतिशत एक प्रतिशत मरे टूटे जैसे तैसे हैं कहीं। प्रत्यक्ष करके लोक में ईश्वर की प्रतिष्ठा बलपूर्वक प्रभावपूर्वक करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं दिखता है, और ऐसी ब्रह्म विद्या के लिए जीवन समर्पित करके पूरी शक्ति लगा के चलने वाला, मर मिटने वाला जिसको कहते हैं, मर मिटने वाला ब्रह्म विद्या के लिए कोई नहीं देखता है। दो दिन, चार दिन, एक महीना, एक सप्ताह, साल, दो साल तो लगा लेते हैं इस नाम से, खीर पूड़ी रबड़ी खा करके फिर चल देते हैं अपना, या बीमार हो जाते हैं या और किसी कार्य में फिर अपने धंधे में लग जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति के नाम पर घर छोड़ देते हैं, नौकरी धंधा छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर अपना उसी में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्म विद्या सुरक्षित नहीं हो सकती, इसकी परंपरा की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यानी दोनों में ही पात्रता का अभाव है, ब्रह्म विद्या प्राप्त कराने वाले और करने वाले। इसके लिए कहा गया है इतरथा अंध परंपरा, जब उपदेष्टा और उपदेश्य उपदेश ग्रहण करने वाले दोनों का अभाव होता है तो अंध परंपरा चल जाती है, फिर उल्टी परंपरा, ईश्वर से विपरीत परंपरा चलती है, फिर लोक में नास्तिक लोग उत्पन्न हो जाते हैं, अधर्म अन्याय फिर बढ़ जाते हैं। आज वही स्थितियां बनती जा रही है। ज्ञान विज्ञान हर क्षेत्रों में बढ़ रहा है, लेकिन सारा का सारा क्या है, वो लौकिक क्षेत्र में, और यही कारण है कि इतना होने पर भी जो सुख शांति सुरक्षित होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ रही है। साधन बन रहे हैं लेकिन उससे हानि हो रही है, सिद्धि नहीं हो पा रही है सुख शांति की। तो कारण यही है कि आध्यात्मिकता का इसमें संबंध नहीं रहा।
व्यक्ति जो भी व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है, कार्य कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में पुरुषार्थ वो कर रहा है, उसका पुरुषार्थ नहीं बन रहा है। ऐहिक और पारलौकिक दोनों फल जो होने चाहिए थे, भोग और अपवर्ग, वो सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए आवश्यक होता है कि अपने अंदर पात्रता उत्पन्न करें। हमारे अंदर ईश्वर प्राप्ति के लिए तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति भी एक कर्म है, जैसे संसार में पढ़ना है, लिखना है, कृषि है, व्यापार है, राजनीति है, वैद्यक है, विज्ञान है, सेवा है, परोपकार है, दुनिया भर के काम हैं। तो ऐसी ही आत्मोन्नति, ईश्वर की प्राप्ति भी ऐसा ही एक कर्म है। जैसे अन्य कर्मों के फल होते हैं लौकिक कर्मों के, ऐसे ही इस ईश्वर प्राप्ति वाले जो कर्म है इसके भी फल होते हैं, निष्फल नहीं होता है ये। इस कारण से इसको भी कर्म विशेष मान करके स्वीकार करना चाहिए और इसमें समय, शक्ति, बल लगाना चाहिए। लौकिक कार्य किसी भी स्तर पर पूरे कर लिए जाएं, लेकिन उससे क्या होती है, जीवन की सफलता नहीं होती है। जीवन उससे कृतकृत नहीं होगा, निर्वाध, पूरी तरह से जीवन निर्वाध नहीं होता है किसी भी लौकिक कार्य में सफल हो जाने पर भी। लेकिन इस कार्य में सफल हो जाने पर, इस आध्यात्मिक कार्य में, ईश्वर की प्राप्ति रूपी कार्य में सफलता प्राप्त हो जाने पर जीवन निर्वाध हो जाता है। इतना इन दोनों में अंतर होता है। इस कारण से निर्भय होकर के, निशंक होकर के, बिना संदेह के अन्य कर्मों को जैसे करने में भय डर नहीं होता है, उत्साह आदि होते हैं, वैसे ही इस कार्य को भी करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति, जैसे व्याकरण आदि या अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ते समय साहस से पढ़ते हैं, उत्साहपूर्वक उनको पढ़ते हैं, ऐसे आध्यात्मिक शास्त्रों को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। इसमें भय नहीं रखना चाहिए, संकोच नहीं रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हतोत्साहित नहीं रहना चाहिए कि इसमें हमारा समय लग जाएगा तो क्या होगा, कहीं फिसलने जाए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी वैसे ही सफलता मिलेगी जैसे अन्य शास्त्रों के अध्ययन में मिलती है। तो जब हम निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के इन आध्यात्मिक कार्यों को करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वैसे परिणाम भी आने लगते हैं। चित्त में, अंतःकरण में हमको फिर उसी प्रकार की सुख शांति की स्थितियां बनने लगती हैं। भय, चिंता आदि जो होते हैं ये फिर कम होने लगते हैं। जैसे जैसे हमको ये विज्ञान प्राप्त होता जाता है, वैसे वैसे इसमें और अधिक आगे बढ़ने का साहस भी होता जाता है। ज्ञान विज्ञान कम है तो भले ही साहस नहीं होगा, डर लगता रहेगा, भय होता रहेगा,
लगता रहेगा, संकोच होता रहेगा, लेकिन जान भी जान अगर ठीक समझ में आ रहा है, पकड़ में आने लग गया, तो इसमें भी कोई भय संकोच नहीं रहता है। उतना ही उत्साह होता है, उतना ही आनंद इसमें भी आने लगता है। इस कारण से यह भी एक विद्या है, केवल वाणी का विलास नहीं है, समय यापन करने का कोई ऐसा साधन नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जुआ है या अन्य कई सारे खेल खेलते हैं ऐसे ही, जो केवल समय बिताने के लिए होते हैं। लोक में कितने सारे ऐसे खेल हैं, कार्य हैं, जिसका परिणाम कुछ नहीं होता है, केवल समय बीतता है। आपस में चर्चा, यूँ ही बात विवाद आदि करते रहते हैं, इन सब से केवल समय कट जाता है। दो वृद्ध व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति आपस में बैठ के गप करते रहते हैं, उससे उनको कुछ नहीं मिलता है, केवल समय कटता है। तो ब्रह्म विद्या ऐसा नहीं है कि इससे केवल समय कटेगा, बल्कि सीधे सीधे इसके अंदर उपलब्धि भी होती है। तो ऐसा मान करके इस विद्या को प्राप्त करने के लिए इसमें समय की कोई सीमा नहीं होती है, एक साल में हो जाएगा, दो साल में हो जाएगा, पाँच साल में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी हो जाएगा ये, जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना जल्दी ये हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो लगता रहेगा समय, जैसे आजकल के पढ़ाई के लिए समय नियत होते हैं, एक साल में ये करना है, दो साल में ये होगा, पाँच साल में पाँचवीं होगा, दस साल में दसवीं होगा, बीए में समय निर्धारित होते हैं, बारह चौदह साल होते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, फिर भी उनमें भी कुछ इस प्रकार के होते हैं, अपवाद भी होते हैं। एक परीक्षा व्यक्ति दो परीक्षाएं एक साथ भी दे दे तो पास हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान है तो वो दो तीन परीक्षा भी एक साल में दे सकता है। प्रायः तो नहीं होता ऐसा, लेकिन उसमें भी दे सकता है कोई व्यक्ति। तो ऐसे ही होता है इसमें भी कि इस विद्या का वैसे कोई समय नहीं होता, तो व्यवस्था आदि के कारण से हो जाता है चलो, लेकिन विद्या के लिए ऐसा नहीं होता है कि ये विद्या इतने साल में ही आएगी, दो साल में नहीं आएगी, पाँच साल में नहीं आएगी, बारह साल ही लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। जितनी जल्दी हम कर सकते हैं, तीव्र संवेगाना आसन, जिसका संवेग बहुत अधिक तीव्र है, जिसमें विवेक वैराग्य बहुत प्रबल मात्रा में है, उसको बहुत जल्दी ये हो जाएगा। लेकिन विवेक वैरागी यदि नहीं बन पा रहा है तो फिर बिसटते रहेंगे, देर लगेगी। ऐसी कोई व्याधि हो गई, बीमारी हो गई, और कोई परिस्थिति बन गई, बाह्य परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, तो इन सब चीज़ों में के कारण से देर हो सकती है, अन्य परिस्थितियों के कारण बाधाएं आ जाती है। लेकिन वैसे ये विद्या के लिए नियत नहीं है समय, ये इतने में आएगा, दो जीवन लग जाएगा, तीन जीवन लग ही जाएगा, उसके बिना नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो कहने का अर्थ है कि इसमें सारा का सारा अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है, ये हमारा पुरुषार्थ जितना अधिक होता है, विद्यापूर्वक जितना अधिक पुरुषार्थ कर लेते हैं उतनी शीघ्रता से इसमें सफलता मिल जाएगी। विपरीत पुरुषार्थ करने से नहीं कुछ होगा, लेकिन बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करने पर निश्चय से शीघ्रता से इसमें भी सफलता मिलती है। उदाहरण के लिए कुछ मिल जाएंगे आपको देखने को, किसी में बाल्यकाल में ही विवेक वैराग्य बहुत अधिक होता है, छोटे बच्चे होते हैं बाल्यकाल में, शंकराचार्य आदि के जैसे हम 12-14 साल के थे,
उनको वैराग्य हो गया। ऐसे कई सारे उदाहरण मिलते हैं इतिहास काल में भी, छोटे छोटे बच्चों में भी ये चीज़ें हो जाती थी, उनको जवान होने की बूढ़े होने की नहीं रहती थी अपेक्षा, पहले हो जाते थे। ऐसे और भी मिल जाएंगे उदाहरण। तो ये नहीं होता है कि ये समय के चौथे काल में ही होगा, बुढ़ापे में जाके होगा, युवा काल में नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नियम नहीं होता है। तो इस कारण से अब केवल अपने ऊपर ये बात आ जाती है, जब हम चाहें अपने पुरुषार्थ को समय रहते हुए सिद्ध कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा नियम होता है। तो ऐसा मान करके हमको पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सकता है अपनी ओर से प्रयास करते रहना चाहिए, और आगे के लिए फिर जो भी बड़े लोग होते हैं इसमें क्षेत्र में चलने वाले जो अनुभवी होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनसे फिर सहायता लेनी चाहिए। इसके लिए अकेले भी नहीं होता है, आध्यात्मिक विद्या बिना गुरु के नहीं होती है, ये निश्चित होता है। गुरु का सानिध्य इसमें अनिवार्य रहता ही रहता है, लेकिन गुरु सच्चे होने चाहिए। केवल कथन मात्र के गुरु होंगे, नाम देने वाले जो गुरु होते हैं इनसे नहीं होता है ये काम, लेकिन बिना गुरु के भी नहीं होता है। व्यक्ति अकेले चाहे कि मैं तो किसी को पूछना ही नहीं, मुझे अपने आप आँख बंद करके बैठ गया, तो उसको 20 साल में भी कोई उपलब्धि नहीं होने वाली, आगे चल करके वो व्यक्ति भटक जाएगा, ये निश्चित होता है। इस कारण से इस विद्या को शास्त्र पूर्वक गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। और ये भी होता है कि गुरु जहाँ अनिवार्य है वहाँ ये भी नहीं है कि किसी को भी गुरु बना लिया जाए, कोई भी गुरु हो सकता है, ऐसा नहीं है। पीछे जैसे बात आई कि जो उपदेष्टा होना चाहिए, इसने इस विद्या को आत्मसात किया है, इसने स्वयं ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लिया है, वही व्यक्ति गुरु होता है वास्तविक। शेष तो उपगुरु होते हैं, जैसे अध्यापक होते हैं, एक प्रधान अध्यापक होता है, उसके सहायक होते हैं, लेकिन पाठ जो होता है वो अपना विद्यार्थी भी करा देता है। तो गौण रूप में दूसरे भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो गुरु होता है, कहने का मतलब वास्तविक गुरु जो होते हैं वो प्रत्यक्षकृत, जिन्होंने प्रत्यक्ष कर रखा है, जिसको आप्त कहा जाता है, आप्त व्यक्ति ही गुरु होता है। हर कोई इसमें गुरु नहीं हो सकता है। और शिष्य के लिए होता है जो पूर्णतः समर्पित होता है, जिसके अंदर समर्पण की भावना नहीं है वह शिष्य नहीं हो सकता है। बिना समर्पण के ये विद्या नहीं आती है, ये अनिवार्य होता है। इसमें ईश्वर परिधान का मुख्य रूप से संबंध किया गया है, विनियोग किया हुआ है, यानी ईश्वर परिधान आरंभ से अंत तक चलता है। तो ये जो ईश्वर परिधान है ये वस्तुतः समर्पण ही है, समर्पण का ही दूसरा नाम ईश्वर परिधान है। यानी संसार को पूरी तरह से छोड़ करके ईश्वर के ऊपर ही आश्रित हो जाना, वो ईश्वर परिधान होता है। समर्पण का अर्थ होता है जब हम दूसरे के लाभ के लिए, दूसरे के उपलब्धि के लिए जब हम स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, वो हमारा उसके प्रति समर्पण होता है। तो ईश्वर के लिए तो ऐसा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे किसी कार्य से
ईश्वर को कोई लाभ नहीं होता है, उसको ऐसी कोई अपेक्षा ही नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में फिर ईश्वर समर्पण कैसे बनेगा, तो उसमें यही परिभाषा होगी कि हम यानी दूसरे के इच्छा के अनुकूल, यानी जो हम कार्य करते हैं उसकी अनुकूलता के लिए जब हम कार्य करते हैं तो ये समर्पण हो जाता है। तो अनुकूलता में अब अपना लाभ भी हो सकता है, अपनी मान्यता भी हो सकती है, दोनों प्रकार से अनुकूलता हो सकती है। तो ईश्वर के ऊपर ये दूसरे वाला नियम घट जाता है, हमें ईश्वर के अनुकूल जो कार्य करना है यही फिर ईश्वर समर्पण होगा। ईश्वर के लिए तो हम कोई ऐसा कार्य कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे कार्य से ईश्वर को कुछ मिलना नहीं है, ईश्वर को किसी अन्यों से कोई अपेक्षा होती नहीं है, वो स्वतः परिपूर्ण है, उसको और किसी की तो आवश्यकता होगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में लेकिन वो विधि कर रखा है उसने, हमको कैसे चलना चाहिए इस विषय में ईश्वर को अपेक्षा होती है। वो ये मानते हैं कि हम यदि इस रूप में चलें तो हमारा उद्धार होगा। तो इस प्रकार से ईश्वर के नियमों के विधानों के अनुकूल चलना, यानी ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कहें या तो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना कार्य करना, यही क्या है, ईश्वर पर निधान हो जाएगा, ईश्वर समर्पण होगा। तो ये हमारा जो कार्य होगा ईश्वर के अनुकूल, उसकी आज्ञा के अनुसार, ये जितने जितने सूक्ष्म स्तर पर होते जाएंगे उतना उतना समझना चाहिए हमारा समर्पण बनता जाएगा, और जितने जितने स्थूल रूप में रहेंगे उतना उतना कम रहेगा। तो ये ईश्वर परिधान की मात्रा होगी। तो जितना जितना हमारा विवेक बढ़ता जाता है, ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है, उतने उतने हम क्या होते हैं, ईश्वर के अनुकूल होते जाते हैं, और वही क्या होता है, हमारा समर्पण बनता जाता है, वही हमारा ईश्वर परिधान होता जाता है। तो आरंभिक काल में जो शिष्य होगा, जो साधक होता है, ईश्वर को वो सीधे सीधे तो समझ नहीं सकता, ऐसी स्थिति में वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो नहीं पाएगा, उसको इतना ज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में फिर होता है उसके लिए, जब तक ईश्वर से हमारा संबंध नहीं हो जाता है, ईश्वर के अनुसार पूरी तरह से चलने में हम स्वयं समर्थ नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए हमारे लिए अनिवार्य होता है फिर हम गुरु के प्रति समर्पित रहें। उस काल में फिर हमें गुरु की आज्ञा के अनुसार, उसके निर्देश के अनुसार चलने से वही लाभ होगा जो ईश्वर के नाम से हम चलेंगे। ईश्वर के नाम पर चलने पर तो हो सकता है, क्योंकि वो हमारी कल्पना रहेगी उस काल में, सीधे सीधे ईश्वर द्वारा निर्देश तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो मन में जो आएगा वही ईश्वर के नाम पर करेंगे, जैसे कि आजकल लोग करते हैं, वो किसी को गुरु नहीं बनाते हैं और कहते हैं हमारा गुरु तो सीधा ईश्वर है। तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि व्यक्ति आज स्वयं ईश्वर बन रहा है, हजारों लोग ऐसे जो स्वयं को गुरु बनाते बनाते उन्होंने अपने आप को ईश्वर बना दिया, यानी ईश्वर के स्थान पर आज गुरु को स्थापित कर दिया गया, गुरु लोग स्वयं ईश्वर का स्थान ले लिए। तो ऐसे लोगों को तो स्वयं ईश्वर का ही नहीं पता है, वो दूसरों को क्या बताएंगे। तो ऐसे गुरुओं को मानने की अपेक्षा नहीं होती है, उनसे कुछ नहीं हो सकता है, गुरु भी वास्तविक रूप में वही होगा जो वस्तुतः हमारा संबंध ईश्वर से करा देगा। जो गुरु ईश्वर से संबंध कराने में समर्थ नहीं है वह गुरु नहीं हो सकता, लेकिन जो परम गुरु से हमको जोड़ने में समर्थ है वो निश्चय से हमारा गुरु होगा।
ऐसे गुरुओं के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसे गुरुओं के प्रति आरंभिक हमारा जो समर्पण होता है वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो जब तक हम सीधे सीधे ईश्वर से नहीं जुड़ पाते, सीधे सीधे ईश्वर को नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए फिर अनिवार्य होता है कि हम किसी न किसी चेतन विद्वान को, आप्त को गुरु बना कर के चलें, उनके निर्देशों के अनुसार चलें। यानी जो दूसरे के आज्ञा का पालन होगा वही हमारा समर्पण होगा, और ये जो समर्पण होता है ये समर्पण ही हमको संसार से मोड़ता है। यानी संसार से हम अपने आप को हटाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर किसी के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं तो संसार से हटना इतना अब कठिन नहीं होता है। संसार को छोड़ना किसी के प्रति समर्पित हो जाने पर सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे व्यवहारिक कार्यों में होता है, किसी को हम समय दे देते हैं, किसी के लिए हम कार्य करने लग जाते हैं, तो कई ऐसे अपने आवश्यक काम होते हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन छूट जाने का भी कोई डर नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है कि वो काम छूट गया, अथवा उस कार्य को जिसको हमें अपने आप छोड़ना बहुत कठिन होता है, खाने की है, पीने की है, कहीं जाने का है, अन्य कोई काम करने हैं, अगर हम अपनी इच्छा से उसको नहीं करना चाहते तो उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। लेकिन यदि हम उस विषय में किसी और को मान लेते हैं कि वो कहेगा तो करूँगा, नहीं कहेगा तो छोड़ दूँगा, तो ऐसी स्थिति में अब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं और वो मना कर देता है कि नहीं करना है इसको, तो अब उसको ना करने में कोई बाधा नहीं होती। तो ऐसे ही यहाँ भी होता है, लोक के विषय में भी हमारा जो राग आदि होता है लोक के बारे में, यदि हम किसी गुरु के प्रति समर्पित नहीं हैं, अपने आप को गुरु मान के या विद्वान मान करके, समझदार बुद्धिमान मान के हम चलते रहते हैं, तो लोक के प्रति हमारा जो राग द्वेष है वो नहीं जाएगा, हम उसमें उल्टी उल्टी व्याख्याएं कर लेंगे उसके, किसी न किसी रूप में अपने जो भी संस्कार है उसी के अनुसार उसको हम ठीक सिद्ध कर लेंगे। यानी वास्तविक रूप में हमको वैराग्य नहीं हो पाता है संसार से, द्वेष भले हो जाएगा, द्वेष के कारण हम छोड़ देते हैं, कई सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, लेकिन वो वास्तविक ज्ञानपूर्वक नहीं होता है, यानी वैराग्य नहीं होता है। लेकिन हम अगर समर्पित होकर के चल रहे हैं, गुरु के अनुसार शास्त्र के निर्देश के अनुसार यदि चल रहे हैं, तो अब लोक के जो भी संबंध है हमारे छूटते हैं, तो उनमें ज्ञान उत्पन्न होगा, विवेक उत्पन्न होगा, उसमें उसके छूटने पर इतना शोक नहीं होगा, इतना कष्ट नहीं होगा, इतना दुख नहीं होगा। इस कारण से इसमें स्वाभाविक स्थिति यह होती है, योगाभ्यास के अंदर हमको प्रधान रूप से संसार को छोड़ना होता है। संसार के एक एक संबंध हमें यहाँ काटने ही पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम किसी निर्देशक को, गुरु को, आचार्य को नहीं मानते हैं, उनके प्रति समर्पित नहीं होते हैं, तो फिर लोक के साथ हमारे लिए हटना या इससे कटना बहुत कठिन हो जाता है। पर गुरु के शरण में चले जाते हैं, उनके निर्देश में चले जाते हैं, उनके सानिध्य में चले जाते हैं, तो इससे दूर होना हो, चाहे घर है, परिवार है, जो या अपना कार्य क्षेत्र है, कुछ भी है, किसी से भी अलग हो जाने पर इतनी बाधा नहीं आती है। तो इस प्रकार से यह समर्पण हमारे लिए यानी योगाभ्यास में एक अनिवार्य धर्म होता है, अनिवार्य कर्म होता है, और इसी समर्पण के कारण से हमारे अंदर विवेक वैराग्य की स्थितियाँ
शीघ्रता से उत्पन्न होती है। तो समर्पण को हम जितना जितना अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, हमारे अंदर उतनी शीघ्र पात्रता आएगी, और पात्रता के कारण फिर अधिकतम तत्व ज्ञान ग्रहण करने में हम समर्थ होते जाते हैं। इस प्रकार से वर्तमान स्थिति में भी जब हम ये मानते हैं कि हमें ईश्वर प्राप्त करना है, इस आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना है, इस मार्ग में चलना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो दिन रात ये परीक्षण करते रहे कि ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण है या नहीं है, ईश्वर के बाद ऋषियों के प्रति हमारा समर्पण है या नहीं है, यानी उनके अनुसार हम चलने को उत्सुक हैं कि नहीं, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ऐसे ऋषियों के प्रति देखना चाहिए। अब जब ईश्वर के साथ ऐसा नहीं हो कर पाते हैं, ऋषियों के प्रति हमारी अपनी ओर से नहीं बनती है, तो फिर होता है किसी न किसी चेतन गुरु जो कि इस विषय के जानकार हैं, इस विषय को जिन्होंने जाना है, प्रत्यक्ष किया है, अनुभव किया है, ऐसे लोगों को फिर अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। ऐसे लोग भी नहीं मिलते हैं तो कम से कम जो इस विषय क्षेत्र में चल रहे हैं लेकिन सज्जन हैं, कुटिल नहीं है, धोखेबाज नहीं है, यही आडंबर नहीं करने वाले लोग हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों का भी सान्निध्य रखना चाहिए। सर्वथा अकेले इस मार्ग में चलने से आरंभिक व्यक्ति को उल्टे हानि होती है, उसको लाभ की संभावना नहीं रहती है, उसका समय व्यर्थ जाता है, अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार वो सारा जीवन वो बिता लेता है, अपने संस्कारों के आधार पर ही वो सारा निर्णय करता जाता है। इस कारण से क्या होती है कि उसकी विशेष उन्नति नहीं हो पाती है, और इस क्षेत्र में विद्या अत्यंत अनिवार्य है, विद्या से रहित कभी भी योगाभ्यास नहीं होता है, ये मान के चलना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा जो ये क्षेत्र है, मुक्ति का जो क्षेत्र है, वो सारा का सारा ज्ञान पर ही टिका हुआ है, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, और ज्ञान को यहाँ एक अवैकल्पिक कारण माना है, यानी अकेला कारण केवल है मुक्ति का, ज्ञान ही है, तो बिना ज्ञान की मुक्ति संभव ही नहीं है, तो इसका कोई ना तो वैकल्पिक विकल्प है, ना कोई इसके अतिरिक्त दूसरा है, सहयोगी भी कोई नहीं होता है, इस कारण से ज्ञान अनिवार्य होता है। तो इस क्षेत्र में आने वाले को कभी संशय नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करूं कि नहीं करूं, शास्त्रों का ज्ञान करूं कि नहीं करूं, कहीं ऐसे ही बैठ कर के तो नहीं हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, समाधि हो जाएगी, आँख बंद करके तपस्या करते रहने से अंदर अपने आप ज्ञान विज्ञान उठ जाएगा, ये सब भ्रांति होती है। और इस क्षेत्र में ऐसे काम बहुत सारे लोग करते हैं, अधिकतम कार्य अधिकतम लोग यही करते हैं, घर से निकल जाने के बाद वो विद्या नहीं पढ़ते हैं, वो सोचते हैं हम तो हो गए सब, घर का छोड़ देना ही वो कृतज्ञता मानते हैं, आगे समझते हैं आगे का काम तो अपने आप हो जाएगा, चाहे अब वो आँख बंद करके कहीं बैठ जाते हैं, जो भी करने लगते हैं, और इसी में मानते हैं कि हो जाएगा पूरा, तो ये सारी की सारी क्या है, भ्रांतियाँ हैं, बिना ज्ञान विज्ञान के ये कार्य नहीं होता है। इस कारण से शास्त्रों में हर समय यही कहा गया है, इसको अरण्य गुहा पुरेनादिशु योगाभ्यासो कर्तव्य तम शिष्य गुरु स ब्रह्मचारी
विशिष्ट श्रेयो भी अनुसूयु भी अप्युपेयात। यानी अरण्य है, जंगल है, नदी के तट हैं आदि ऐसे स्थानों में जहाँ निर्वाध स्थितियाँ होती है, लोक का जहाँ कम से कम प्रभाव होता है, प्राकृतिक स्थितियाँ होती है, ऐसे स्थानों में योगाभ्यास करना चाहिए और वहाँ ज्ञान विज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए और उस ज्ञान विज्ञान को गुरु के साथ, शिष्य के साथ, सहपाठी के साथ उसकी चर्चा भी करते रहनी चाहिए। तो आरंभिक काल में व्यक्ति के लिए एकांत नहीं होता है, शुरू से व्यक्ति अपना अकेले अकेले चाहता है कि मैं ज्ञान विज्ञान कर लूँगा और इस क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। शास्त्र इस प्रकार का निर्देश नहीं करता है। आरंभिक काल में सबसे पहले विद्या को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और विद्या की प्राप्ति गुरु के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र होती है, चाहे वो लौकिक ज्ञान विज्ञान है चाहे आध्यात्मिक, सारे के सारे गुरु के माध्यम से ही शीघ्रता से होते हैं। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के लिए भी किसी न किसी व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गुरु ईश्वर से विमुख नहीं हो, ईश्वर से दूर ले जाने वाले नहीं हो। हर कोई इस क्षेत्र में गुरु नहीं होता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसे लोग मिल जाएं तो फिर अपना समर्पण भी उसके प्रति रखना चाहिए। मुख्य समर्पण ईश्वर के प्रति होना चाहिए, ऋषियों के प्रति होना चाहिए और उसके उपरांत फिर गुरु के प्रति भी अपना समर्पण होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं तो निश्चय से ये विद्या हमको धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी और जो हम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, वो चीज़ आज नहीं तो कल हमें मिल जाएगी। ऐसे नियम से, शास्त्र के अनुसार, विधि विधान से हम चलते रहते हैं तो हमें पीछे हटने की, शोक की, पश्चाताप की स्थितियां नहीं आएगी, निश्चय से हमारा जीवन सफल होगा। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं।